हेलो फ्रेंड्स, स्विफ्ट गाड़ी है ये। इसके अंदर प्रॉब्लम ही आ रही है कि इसकी जो ब्लोअर मोटर है वो आवाज़ कर रही है। ब्लोअर अपन जैसे ही चालू करते हैं वैसी आवाज़ आने लग जाती है और हवा भी कम आ रही है इसके अंदर। ये आवाज़ आने लग गई है, साउंड आ रहा होगा आपको। मैं बंद करके वापस चालू करके दिखाता हूँ। बंद हो गया ये, चालू करता हूँ इसको। ये आवाज़ आने लग गई, इसमें ब्लोअर मोटर है, उसके अंदर या तो कुछ फंस गया है, कचरा होगा, या तो चेक करते हैं उसको खोल के मोटर को। इसकी जो ब्लोअर मोटर आती है वो लेफ्ट साइड में आती है, लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड के नीचे। तीन स्क्रू पे कसी हुई रहती है ये मोटर। एक स्क्रू इसका ये रहा, और एक स्क्रू इसका ये रहा, और एक स्क्रू इसका ये रहा। तीन स्क्रू पे ये मोटर बाहर आती है। ये साकेट निकाल लेंगे तो ये मोटर ऐसी हमारी बाहर आ जाएगी। ब्लोअर मोटर के तीनों स्क्रू खोल लिए हैं। अब इसको इसी किसी पकड़ के हम खींच लेंगे तो ये बाहर आ जाएगी। निकालते हैं इसको। ये हमारी आ गई बाहर मोटर, और ये देखो चूहों ने क्या हालत कर रखी है इसकी। ये सब चूहों का काम है। चूहे इसके ब्लोअर मोटर में आ गए थे, उन्होंने सब कचरे ही कचरा कर दिया इसके अंदर। इसकी वजह से ब्लोअर मोटर आवाज़ कर रही थी। ये भी बताऊँगा कि चूहे कहाँ से आते हैं इसके अंदर। चूहों ने बहुत हालत ख़राब कर रखी है, हर जगह कचरे ही कचरा है। ये इसकी जो पंखड़ियाँ हैं, पंखड़ियाँ भी कतर दी है। ये दिख रही होगी साइड से, ये पंखड़ी भी कतर दी है चूहों ने। कचरा तो सब बाहर कर दिया इसका मैंने, मोटर पूरी साफ़ कर दी है। कचरा ये पड़ा हुआ है, और जो इसके चूहा आने की जगह रहती है उसका मैं बताता हूँ इलाज क्या है। अपना जो गाड़ी का ये स्विच रहता है अंदर हवा करने का, ये वाला हमेशा चालू रखना चाहिए। इसको कभी बंद नहीं करना चाहिए। इसको अगर बंद कर देते हैं तो बाहर की हवा लेने लग जाता है, वहाँ पर जगह हो जाती है तो वहाँ से चूहा अंदर आ जाता है। कोई सी भी गाड़ी का हो ये हमेशा चालू रखना चाहिए, तो ये अंदर की हवा लेके अंदर ही फेंकता है। ये फड़का वो बंद हो जाता है जो बाहर की हवा का रहता है, इसलिए इसको हमेशा चालू रखना चाहिए। करते हैं ब्लोअर मोटर फिट, इसकी चेक करते हैं। फिर ब्लोअर मोटर जो है वो हमेशा सीधी बिठाना पड़ती है। ये जो गाला है, ये गाला इसमें बैठता है, ये जगह इसमें सीधा बिठाना पड़ता है ब्लोअर मोटर को। अब इसको कसते हैं। 50% गाड़ियों की ब्लोअर मोटर वो एक ही जगह पे रहती है, इस वाली साइड में। और मारुति की तो हर गाड़ी में इस साइड ही रहती है। अल्टो हुई, वेगनार हुई, स्विफ्ट हुई, स्विफ्ट डिजायर हुई, कोई सी भी गाड़ी हुई मारुति की, इस साइड में रहती है इनकी ब्लोअर मोटर। ब्लोअर मोटर तो कर दिए फिट, चेक करते हैं अब चाबी चालू करके। ब्लोअर चालू करेंगे, हो गई हमारी आवाज़ बंद, हवा भी आ गई है इसमें, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है इसके अंदर। एक बार बंद करके दिखाता हूँ, बंद कर दिया मैंने, बिल्कुल क्लियर आवाज़ हो गई है। और जो इसकी हवा है वो हवा भी बराबर आ रही है। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।